नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। राहुल के बयान के बाद सोमवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग तक कर डाली है। आपको बता दें कि राहुल के बयान पर आज यानी मंगलवार को भी लोकसभा में हंगामा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने राहुल को जमकर सुनाया है। उन्होंने राहुल को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप घोटाले का जिक्र भी कर दिया। संतोष पांडे के भाषण की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। संतोष पांडे ने कहा कि राहुल गांधी बार बार कल भोलेनाथ की तस्वीर दिखा रहे थे, ये आपकी फितरत में है। छत्तीसगढ़ में आपके पूर्व सीएम महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, उन्हें राज्य की जनता ने निपटा दिया। सट्टे का संचालन आपके पूर्व सीएम कर रहे थे, भोलेनाथ को हल्के में ना ले। संतोष पांडे ने हिंदू वाले बयान पर भी राहुल पर जुबानी हमला किया। उन्होंने पूछा कि क्या हिंदू हिंसक हो रहा है, बीजेपी हिंसा की बात करती है, भारत में हिंसा कौन फैला रहा है, पूरा भारत जानता है। कर्नाटक में प्रवीण नितारू की हत्या क्या हिंदू समाज ने की थी, क्या राजस्थान में कन्हैया की हत्या हिंदू समाज ने की थी, क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगहों पर हंगामा कर रहा है, जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले किस समाज के हैं, फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले किस समाज के हैं। संतोष पांडे ने सपा सांसद अखिलेश यादव पर भी जुबानी वार किए। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, अखिलेश जी जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो फलसपे में, लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। क्या आप भी जानना चाहते हैं आपके आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़ी हर एक खबर को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? जी हाँ, एक्सेस भारत लेकर आता है आपके लिए तमाम मुद्दों को। बिना देरी के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।